हेयर स्टाइल को स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है मुझसे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बेस्ट वे क्या है एक हेयर स्टाइल को स्टार्ट करने का। तो हेयर स्टाइल को हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट्स यूज करके जिन्हें हम कहते हैं प्री स्टाइलर्स। अब ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं बिफोर ब्लो ड्राइंग, ताकि जब ब्लो ड्राइंग फिनिश हो तो हमारे हेयर के अंदर ऑलरेडी थोड़ा बहुत वॉल्यूम, स्ट्रक्चर, होल्ड, एक शेप हो। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यह है कि प्री स्टाइलिंग इज ओनली वे टू स्टार्ट योर हेयर स्टाइल, ओनली बेस्ट वे टू स्टार्ट योर हेयर स्टाइल। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कौन से प्रोडक्ट क्या हेल्प करते हैं, कैसे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड गाइज, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना हो तो सबके बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारे जो लिंक है आपको अमेजोन के लिंक मिल जाएंगे एंड वहां पे आपको काफी सही रेट्स में प्रोडक्ट मिल जाएंगे अगर आपको परचेस करने हो, आपके पास नहीं हो तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो गो एंड शॉप नाउ फ्रॉम अमेजोन। प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक जो आपके हेयर के अंदर कोई स्टाइलिंग बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं बट उन्हें यूज करना इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे आपकी ओवरऑल हेयर स्टाइल बेटर लगती है। एंड सेकंड जो ग्रुप आता है वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्चुअली आपको थोड़े स्टाइलिंग बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट जो कैटेगरी जो आपके हेयर को इनिशियली स्टाइल नहीं करती है बट उन्हें यूज करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, उस कैटेगरी के अंदर आता है नंबर वन हेयर सीरम्स। हेयर सीरम सिंपली आपके हेयर को स्मूथ, सॉफ्ट बनाने में हेल्प करते हैं, साथ के साथ में अगर आपके हेयर के अंदर फ्रिज ज्यादा आता है तो उसे भी टेम करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। लिव इन कंडीशनर्स, अब लिव इन कंडीशनर सेम काम करते हैं एक नॉर्मल कंडीशनर की तरह बट आपको इन्हें वॉश नहीं करना पड़ता है। एंड जब आप एक लिव इन कंडीशनर आपके हेयर के अंदर अप्लाई करते हैं तो इससे आपके हेयर को थोड़ी कंडीशनिंग मिलती है, आपके हेयर में थोड़े हेल्थ बेनिफिट ये प्रोवाइड करता है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर आपके हेयर को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। ये काफी अच्छा एडिशन होता है आपके हेयर को हेल्दी बनाने के लिए, स्मूथ एंड सिल्की, थोड़ा सॉफ्ट बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है एक लिव इन कंडीशनर, एंड इन्हें हमें वॉश भी नहीं करना पड़ता है। थर्ड जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो आते हैं हेयर ऑयल्स। अब हेयर ऑयल्स का काम होता है आपके हेयर की हेल्थ में बेनिफिट प्रोवाइड करना, आपके हेयर को हेल्दी बनाना, आपके हेयर की जो हेल्थ है उसे स्ट्रॉन्ग रखना। नेक्स्ट एंड फाइनल ऐसा प्रोडक्ट जो आपके हेयर को स्टाइल करने में हेल्प नहीं करता बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेयर की हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखते हुए, वो है एक हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। अब हम लोगों को पता है कि आजकल हीट अप्लायंसेस काफी ज्यादा आ चुके हैं, ब्लो ड्रायर हर कोई यूज करता है, स्ट्रेटनिंग टूल्स हर कोई यूज करता है, तो उनसे जो हीट निकलती है उससे डेफिनेटली आपके हेयर डैमेज होते हैं। एंड उस डैमेज को कम करने के लिए या फिर बिल्कुल मतलब नेग्लेक्ट करने के लिए, बिल्कुल हटाने के लिए हीट प्रोटेक्शन स्प्रे आते हैं, आपको स्प्रे करना पड़ता है आपके हेयर के अंदर एंड बिफोर ब्लो ड्राइंग, ताकि जब आप ब्लो ड्राइंग फिनिश करें तो आपके हेयर को उस ब्लो ड्रायर की हीट से कोई डैमेज ना हो, आपके हेयर हेल्दी रहे। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो एक्चुअली आपके हेयर को स्टाइलिंग बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं बिफोर ब्लो ड्राइंग, उन्हें एज अ प्री स्टाइलर जब आप यूज करते हैं तो इनके अंदर जो फर्स्ट नंबर पर प्रोडक्ट आता है वो है एक हेयर मूज। अब एक हेयर मूज का काम होता है आपके हेयर के अंदर वॉल्यूम बिल्ड करना, एंड जब आप इसे अप्लाई करते हैं बिफोर ब्लो ड्राइंग तो आफ्टर ब्लो ड्राइंग आपके हेयर के अंदर बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम मिलता है आपको हेयर मूज यूज करके। तो अगर आप कोई है जिसके हेयर के अंदर आपको थोड़े वॉल्यूम अचीव करने में दिक्कत आती है तो डेफिनेटली आपको हेयर मूज ट्राई करना चाहिए, इससे आपको अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ऐसा वॉल्यूम मिलेगा जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो, तो मुझे काफ़ी सही लगता है। इंडियन हेयर टाइप के हिसाब से हेयर मूस काफ़ी सही है, एट द सेम टाइम आपके हेयर को हैवी नहीं रखता है, ये एकदम लाइट वेट रखता है, तो जब आप अपने हैंड्स को रन करेंगे इसको अप्लाई करने के बाद में तो आपको कोई भी मतलब ऐसा फील होगा आपने कोई प्रोडक्ट अप्लाई कर रखा है, आप सिंपली इजीली अपने हैंड्स को रन कर पाओगे इसको अप्लाई करने के बाद में, तो ये काफ़ी सही प्रोडक्ट लगता है स्पेशली वॉल्यूम प्रोवाइड करने के लिए आपके हेयर के अंदर बिफोर ब्लो ड्राइंग यूज करते टाइम। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है आजकल मार्केट में काफी ज्यादा चल रहा है वो है एक सी सॉल्ट स्प्रे। अब सी सॉल्ट स्प्रे का काम होता है, इसे भी आप बिफोर ब्लो ड्राइंग यूज करेंगे, ऑब्वियसली मैं प्री स्टाइलर्स की बात कर रहा हूँ, तो इसको जब आप यूज करते हैं तो ये आपके हेयर के अंदर थोड़ा वॉल्यूम प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, इस वाले के अंदर हीट प्रोटेक्शन भी है तो ये एक एडेड बेनिफिट मिल जाता है, साथ के साथ में ये थोड़ा आपको बीची सा टेक्सचर प्रोवाइड करता है आपके हेयर के अंदर। तो अगर आप कोई है जिसे एकदम फ्लोई सी, एकदम बीची सी टेक्सचराइज हेयर स्टाइल, केयर फ्री टाइप का लुक पसंद है तो आप डेफिनेटली सी सॉल्ट स्प्रे यूज़ कर सकते हैं आपके हेयर के अंदर थोड़ी वेवी टेक्सचर बढ़ाने के लिए, आपके हेयर के अंदर थोड़ी वेवीनेस ऐड करने के लिए, थोड़ा वॉल्यूम ऐड करने के लिए, हल्का फुल्का सा होल्ड ऐड करने के लिए, ऐसा एकदम केयर फ्री लुक अगर आप लोगों को पसंद है तो डेफिनेटली आप सी सॉल्ट स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। इसका काम ये डिज़ाइन ही उसलिए हुआ है उस तरीके के रिजल्ट्स प्रोवाइड करने के लिए आपके हेयर। नेक्स्ट एंड वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट जिसे आप यूज़ कर सकते हैं बिफोर ब्लो ड्राइंग वो है सिंपली एक हेयर वैक्स। अब एक हेयर वैक्स
सारी चीजें कर देता है, मतलब मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट जो दूसरे प्री स्टाइलर्स करते हैं। आप सारे प्री स्टाइलर्स का थोड़ा थोड़ा बेस्ट पार्ट उठा लीजिए और वो एक प्रोडक्ट के अंदर डाल दीजिए, तो वो उस तरीके का काम एक हेयर वैक्स कर देता है, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बट हाँ, तो हेयर वैक्स आपके हेयर के अंदर जब आप बिफोर ब्लो ड्राइंग यूज़ करेंगे तो आपके हेयर के अंदर होल्ड प्रोवाइड करेगा, लाइट वेट होल्ड होगा, ऑब्वियसली आपके हेयर के अंदर थोड़ा बहुत वॉल्यूम ऐड करेगा जो भी नेसेसरी एक हेयर स्टाइल को अच्छा दिखाने के लिए, आपके हेयर के अंदर स्ट्रक्चर टेक्सचर, आपके हेयर के अंदर थोड़ा बहुत कंट्रोल भी ऐड करेगा, जिससे जब आप फिनिशिंग प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी कम अमाउंट यूज़ करना पड़ेगा फिनिशिंग प्रोडक्ट का, एंड कम अमाउंट यूज़ करने के बावजूद भी आपकी जो हेयर स्टाइल है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करेगी। तो एक हेयर वैक्स इस तरीके के रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो इस कंक्लूजन यही है कि अगर आपको अपनी हेयर स्टाइल को लॉन्ग लास्ट करना है, अपनी हेयर स्टाइल को अगर आपको आप चाहते हैं उसके अंदर बेटर शेप हो, थोड़ा बेटर होल्ड, एक्स्ट्रा वॉल्यूम हो, थोड़ा एक्स्ट्रा कंट्रोल हो, लॉन्ग लास्ट ज़्यादा करे, पूरे दिन तक चले, तो आपको डेफिनेटली प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है किस किस तरीके के प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स आते हैं, कौन सा क्या रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो सबके लिंक मैंने जैसे कि कहा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप अमेजोन से जाकर परचेस कर सकते हैं, आपको ग्रेट प्राइजेस पे वो सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसे कि मैंने कहा पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टाइलिंग एंड ड्रॉ।